नमस्कार, मैं हूँ स्वाति रायना और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज के शो में बात करेंगे कोयला संकट को लेकर जो देश भर में हो हल्ला मचा हुआ है। दरअसल पावर कट से लेकर बिजली महंगे होने तक की आशंका जताई जा रही है और हकीकत इसमें हालांकि क्या है ये समझना बेहद ही जरूरी है कि क्या वाकई कोयले की किल्लत से आपके घरों में बिजली गुल हो जाएगी। अब बत्ती गुल होने की हकीकत की भी आज हम पड़ताल करेंगे। वैसे अभी तक किसी राज्य ने आधिकारिक तौर पर एक बड़ी बिजली कटौती की बात या उसका कोई ऐलान नहीं किया है। अब सवाल ऐसे में उठता है कि जो कोयला क्राइसिस है वो कितना बड़ा है, क्या संकट के पीछे की असलियत है, यही आज हम आपकी खबर आपका फायदा में समझने की कोशिश करेंगे। और कोल क्राइसिस में हमें पावर क्राइसिस की ओर क्या ढकेला जा रहा है, ये क्या पूरी स्थिति एक पावर क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है, ये समझना भी बेहद जरूरी है। खास मेहमान बेहद जुड़ेंगे, उनसे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। देश कोयला संकट के दौर से गुजर रहा है, पावर कट की आशंका जताई जा रही है। कुछ बिजली कंपनियों के पास कोयले का स्टॉक खत्म हो चुका है तो कई में खत्म होने के कगार पर है। तमाम राज्यों ने कोयले की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार को चेताया है, लेकिन हकीकत ये भी है कि अभी तक किसी भी राज्य ने बिजली की बड़ी कटौती को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। दरअसल सच्चाई है कि कोयले की किल्लत से देश दोचार हो रहा है, लेकिन इसकी कुछ घरेलू तो कुछ ग्लोबल वजह हैं। फिलहाल केंद्र सरकार कोल क्राइसिस से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर जुट गई है और कहा जा रहा है कि वो कोयले की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आने देगी। कोयले की किल्लत से निपटने के लिए सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाया है, जिसके तहत अगले 5 दिनों में कोयला उत्पादन 19,40,000 टन से बढ़ाकर रोजाना 20,00,000 टन किया जाना है। इसके अलावा दुर्गा पूजा के दौरान बिजली घरों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाकर 16,00,000 टन प्रतिदिन करने को कहा गया है। 20 अक्टूबर के बाद इसे बढ़ाकर रोजाना 17,00,000 टन कर दिया जाएगा। कोल इंडिया ने बीते सोमवार को 19.40 लाख टन कोयले की सप्लाई की, जिसमें से अकेले बिजली कंपनियों को 16.15 लाख टन कोयले की आपूर्ति की गई। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी CEA के मुताबिक 7 दिनों से भी कम कोयला भंडार वाले बिजली संयंत्रों की संख्या 107 हो गई, जो इससे पिछले हफ्ते 115 थी। हालांकि सरकार को पूरी उम्मीद है कि कोयले के मौजूदा संकट से वो जल्द ही उबर जाएंगे। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कोल क्राइसिस की हकीकत क्या है। केंद्र सरकार का कहना है कि वो राज्यों से जनवरी से जून तक कोयला स्टॉक करने को कहती रही, लेकिन राज्यों के कानों में जूं तक नहीं रेंगी और वो सस्ती दरों पर मिल रहे विदेशी कोयले को आयात करते रहे, लेकिन जब विदेशी कोयले की कीमत में आग लगी तो फिर वे घरेलू कोयले पर निर्भर हो गए। एक तरफ जब विदेशी कोल महंगा हुआ तो वहीं भारत में मानसून आ गया, जिससे खनन के काम में असर पड़ा। सरकार की दलीलें वाजिब भी लगती हैं। बिजली को लेकर सबसे अधिक किल्लत का रोना दिल्ली सरकार का रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि दिल्ली में पिछले 15 दिनों से बिजली की कोई कमी नहीं है। NTPC का डेटा भी दिखाता है कि 1 से 11 अक्टूबर के बीच दिल्ली को जितनी बिजली मुहैया कराई गई उसका केवल 70% इस्तेमाल हो पाया, यानी 30% बिजली सरप्लस रही। एक बड़ी बात यह है कि कोल इंडिया पर राज्यों का 21,000 करोड़ का बकाया है, लेकिन इस भारी बकाया के बावजूद कोल इंडिया ने किसी भी राज्य की कोयले की आपूर्ति नहीं रोकी। अब ऐसे में जब पूरी दुनिया कोल क्राइसिस के दौर से गुजर रही है, भारत पर इसका कुछ तो असर पड़ना ही था, लेकिन इस संकट को हल्के में लेने के बजाय राज्य और केंद्र सरकार को सजग रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। तो समझने की कोशिश हम करेंगे अपने इस आधे घंटे के शो में कि कोल क्राइसिस की आखिर हकीकत क्या है। हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान इस शो में शामिल हुए हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा दें। हमारे साथ पूर्व कोल सेक्रेटरी श्री अनिल स्वरूप हैं, इनसे बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व पावर सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग जी हैं। पूर्व चेयरमैन झारखंड बिजली बोर्ड से BM वर्मा साहब हमारे साथ हैं। साथ ही हमारे साथ रेपा से के फाउंडर प्रेसिडेंट प्रोफेसर जी अय्यर भी हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है हमारे इस स्पेशल शो आपकी खबर आपका फायदा में, जिसमें हम खास तौर पर कोयले संकट को लेकर एक चर्चा कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं पावर क्राइसिस की हकीकत क्या है। इसी कड़ी में सबसे पहले अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगी और समझने की कोशिश हम यही करना चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने पूरी तरह आश्वासन दिया है, यहां तक कि खुद केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रहलाद जोशी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है, देश में कोयले की किल्लत भी हम होने नहीं देंगे, 5 दिन में उत्पादन बढ़ाने का पूरा उन्होंने भरोसा भी जताया है। ऐसे में
ये कहना कि कोयले की कमी से बिजली का संकट आ सकता है, राज्य लगातार सरकार को ये कह भी रहे हैं, चेता भी रहे हैं, आपको ये पूरा जो क्राइसिस है वो कितना गंभीर लग रहा है? सबसे पहले तो एक सुझाव देना चाहूंगा मैं आपको, जब आप कोई टिप्पणी किसी कार्यक्रम से पूर्व प्रस्तुत करें तो उसे बैलेंस रूप में प्रस्तुत करें। एक तरफा टिप्पणी प्रस्तुत करने के बाद उस पर चर्चा पे फिर समस्या आने लगती है। जो आपने पहले टिप्पणी प्रस्तुत की उसमें सिर्फ तात्कालिक कारणों का आपने वर्णन किया, जो लॉन्ग टर्म कारण है इसके उस पर एक शब्द भी नहीं बोला। ये उचित नहीं है किसी भी चैनल के लिए। आपसे समझना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे सर, मैं बताता हूँ आपको। आपने उन कारणों की चर्चा की जिसके बारे में हम और आप कुछ नहीं कर सकते। क्या हम और आप निर्धारित कर सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय डिमांड बढ़े या घटे? क्या हम और आप निर्धारित कर सकते हैं पानी बरसे या ना बरसे? क्या हम और आप निर्धारित कर सकते हैं कि डिमांड घटे या बढ़े? जो हम कर सकते हैं वो आपकी टिप्पणी पे कहीं पे चर्चा नहीं आई। हम क्या कर सकते हैं? आपने इस बात को टिप्पणी में चर्चा प्रस्तुत करना चाहिए था कि पिछले 3 वर्षों से कोल इंडिया का प्रोडक्शन 600 मिलियन टन तक ही हुआ है, और ये पहला शायद वाक्या है कि 3 वर्षों में बिल्कुल बढ़ोतरी नहीं हुई कोयले उत्पादन की। इसी प्रकार का संकट 2014 में भी इस देश के सामने आया था, और 2014-15 में 34 मिलियन टन का अतिरिक्त उत्पादन हुआ था, जो पिछले 4 वर्षों के क्यूमुलेटिव इंक्रीज से ज्यादा था। 15-16 में इसके ऊपर 44 मेट्रिक टन का और उत्पादन हुआ। यदि उसी गति से उत्पादन होता रहता तो आज की तारीख में कोल इंडिया का उत्पादन 750 मिलियन टन होता। अब अगर रिज्यूम करें, 750 मिलियन टन होता तो पानी बरसे ना बरसे, इंटरनेशनल डिमांड हो या ना हो, हम समस्या का समाधान करने का हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आपने उस पर चर्चा तक नहीं की। आपने उन सब बिंदुओं पर चर्चा की जिस पर हमारा आपका कोई नियंत्रण नहीं है, आपने चर्चा कर डाली। दूसरी, आपने चर्चा की कि केंद्र क्या बयान कर रहा है, राज्य क्या बयान कर रहा है। बयानों से समस्या का समाधान नहीं होता, समस्या का समाधान होता है आपस में बैठ के चर्चा करने का। वर्तमान जो समस्या है, इसे आप क्राइसिस कहें या ना कहें, ये एक सब्जेक्टिव प्रकरण है, लेकिन कोयले की कमी निश्चित रूप से है। अगर कोयले की कमी है तो क्यों, ऐसा क्या हुआ 2016 जब स्थिति बिल्कुल सामान्य थी और हम बांग्लादेश एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे थे कोयले की, तब में और अब में क्या समस्या आई कि कोल इंडिया का जो उत्पादन है वो बढ़ा ही नहीं? वो इसलिए नहीं बढ़ा कि 2017 में जब सुतीर्थ भट्टाचार्य रिटायर हुए, जो कि बहुत ही अच्छे अधिकारी थे, कोल इंडिया के चेयरमैन थे, उनके हटने के बाद केंद्र सरकार ने उनके स्थान पर कोई भी CMD रेगुलर नहीं नियुक्त किया 1 साल के लिए। जितना मोमेंटम 2014 से 16 के बीच में बना था वो समाप्त हो गया। कोल इंडिया के पास 35,000 करोड़ रुपए का रिजर्व था 2016 में, और हम लोगों ने योजना बनाई थी कि नई खदानें खोदी जाएंगी, एग्जिस्टिंग खदानों को बढ़ाया जाएगा जिससे कोल उत्पादन बढ़ता। हुआ यह कि इसमें से 35 में से 25,000 करोड़ के लगभग डिविडेंड के रूप में चला गया। इसका इन्वेस्टमेंट जो कोल इंडिया में होना चाहिए था नहीं हुआ। ये सब हम कर सकते थे। हम पानी नहीं रोक सकते थे, इंटरनेशनल डिमांड नहीं रोक सकते थे, इंटरनेशनल प्राइसेस नहीं रोक सकते थे, बट ये हम कर सकते थे। चर्चा उन बिंदुओं पर होनी चाहिए जो हम कर सकते थे, क्योंकि आज की समस्या का समाधान उन्हीं से होगा जो उस समय हुआ था पहले। तीसरा कारण क्या था कि वर्ष 2016-17 में स्वच्छता अभियान, जो कि बहुत अच्छा कार्यक्रम था, कोल इंडिया के माइन मैनेजर्स को उसमें लगा दिया गया, कि जो वो प्लानिंग करते भविष्य के लिए और नई खदानों के लिए करते, वो ना करके वो शिटहोल्स बनाने लगे। चौथा प्रकरण क्या था कि खदानों में इन्वेस्टमेंट के बजाय कोल इंडिया से कहा गया कि आप फर्टिलाइजर प्लांट में इन्वेस्ट कीजिए। नाउ ये सब प्रकरण पानी बरसने से संबंधित नहीं है, ये सब प्रकरण अंतर्राष्ट्रीय प्रकरणों से संबंधित नहीं है, लेकिन हम उसकी चर्चा करेंगे क्योंकि उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा आपसे पुनः अनुरोध है कि अगर आज इस समस्या का हमें समाधान करना है तो हमें उन बिंदुओं की तरफ देखना पड़ेगा जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। तात्कालिक रूप से जो कार्य केंद्र सरकार कर रही है बहुत सही कर रही है, बहुत अच्छे अधिकारी हैं, बहुत अच्छे मंत्री हैं, वो लग गए हैं, मुझे आशा है कि अगले 2-3 दिन में समाधान हो जाएगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये है कि कोल इंडिया का प्रोडक्शन जो 600 मिलियन टन पे स्टैटिक है उसको कैसे बढ़ाया जाए। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर का जो उत्पादन इस समय लगभग 100 मिलियन टन है, इसको हम कैसे 200 मिलियन टन करें। ये हो सकता है, ये उसी प्रकार हो सकता है जैसा 2014-16 के बीच में हुआ था। क्या हुआ था 2014-16 के बीच में? 2014-16 के बीच में हमने केंद्र ने राज्य सरकारों से लड़ाई नहीं की, हमने उनको बयान नहीं दी मीडिया के माध्यम से कि उन्होंने बिजली दी, हमने इस्तेमाल, आप जैसे आपने इतना समय वेस्ट किया आपके
टिप्पणी में कि NTPC कह रही है हम बिजली दे रहे हैं, दिल्ली कह रहा है हमें बिजली नहीं मिल रहा है। भाई इस झगड़े से समस्या का समाधान थोड़ी ना होता है और ना मीडिया के माध्यम से होता है। मेरा तो अनुरोध होगा राज्य और केंद्र सरकारों से कि जैसे 2014-16 के बीच में अक्रॉस द टेबल बैठ कर, क्योंकि समस्या खाली केंद्र की और खाली राज्य की नहीं है, दोनों की समस्या की बात से जो बात निकल कर सामने आती है राज्य और केंद्र दोनों की समस्या है। और हमारा मकसद यही रहता है खास मेहमानों को और जो एक्सपीरियंस जो सरकार में बैठे जैसे आप पूर्व कोल सेक्रेटरी रह चुके हैं उनको बुलाने का मकसद यही रहता है कि आपकी टिप्पणी से हमें समझ में आए कि आखिरकार दिक्कत और समस्या क्या है और लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। आपने कई बातें बिल्कुल बेबाकी से सामने रखी अनिल स्वरूप जी, आप हमारे साथ शामिल हुए शो में, बहुत धन्यवाद आपका। तो हर एक पक्ष की हम चर्चा जरूर करेंगे, हो सकता है कुछ पक्ष रह जाएं, यही मकसद रहता है कि खास मेहमानों से उन पक्षों को सामने उस पर रोशनी डाली जा सके। इसलिए मैं इस पूरी डिबेट को अब ओपन रखती हूं और सुभाष चंद्र गर्ग जी आपसे मैं समझना चाहती हूं, कई बातें अनिल जी ने भी कही उसको लेकर हम लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की बात करते हैं। हालांकि सरकार कह रही कि हाँ 5 दिन में जो आपूर्ति है उसको पूरा कर लिया जाएगा, क्या आपको लगता है जो सरकार की तरफ से कदम है वो काफी है या फिर जो ये एक कोयले की किल्लत बताई जा रही है जिन कारणों से बताई जा रही है वो वाकई गंभीर है या फिर एक अननेसेसरी खौवा बनाया जा रहा है इसका? देखिए जुलाई और अगस्त में पावर डिमांड काफी बढ़ी, उसके कारण से जो कोयले का स्टॉक थोड़ा बहुत भी था इनके पास पावर प्लांट्स के पास वो काफी खत्म हो गया। सेप्टेम्बर में पावर की डिमांड नॉर्मलाइज होने लगी थी, मतलब ये पिछले महीने की बात है और इस समय पावर की डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं है अगर आप पिछले साल और उसके पिछले साल से कंपैरिजन करें। तो ये जो अभी जो क्राइसिस नज़र आ रही है ये मैनिफेस्टेशन है आपकी जुलाई और अगस्त की ओवर डिमांड का। अगस्त में तो डिमांड करीब 20% ज़्यादा थी पिछले दो सालों के मुकाबले। तो ये इसके सॉल्यूशन तात्कालिक भी हैं क्योंकि तात्कालिक समस्या को समाधान करने के लिए जो सरकार कर रही है कि किसी भी तरह से कोल इंडिया की सप्लाई बढ़ाइए, फिलहाल जितनी डिमांड है उसको मीट आउट करिए, वो मेरे ख्याल से अगले 10-15 दिन में उसका समाधान हो जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा मुझे चिंता नज़र आएगी। बट रियल समस्या जो है वो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स की है और पावर सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो फाइनली पावर सप्लाई करती हैं जो कोल से बनके और दूसरे साधनों से बनके आती है वो बैंकक्रप्ट हो चुकी हैं, उनके पास पैसा देने के लिए नहीं। आपने अपनी टिप्पणी में भी कहा कि कोल इंडिया के 20-21,000 करोड़ से ज़्यादा की बकाया हैं। पिछले कुछ समय से ऐसी स्थिति बनी आ रही है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ना कोल कंपनीज को पैसा दे रही हैं पूरा, ना NTPC और पावर सप्लाई कंपनीज को पैसा दे रही हैं। और पिछले 1.5-2 महीने से जो इंटरनेशनल कोल प्राइसेस के दाम बहुत बढ़े उसके कारण से उन्होंने इंपोर्ट ख़त्म कर दिया। अगर आज आप देखें तो 135 प्लांट जो हैं कोयले पे चलते हैं उसमें से तकरीबन 90-95 प्लांट ही ऑपरेट करते हैं, बाकी तो कई और कारणों से नहीं चलते हैं। उनमें से केवल 2-3 प्लांट के पास ही थोड़ा सा इम्पोर्टेड कोयला है, बाकी सभी प्लांट्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी प्लांट्स इंपोर्टेड पर डिपेंडेंट हैं, लेकिन 30-35 प्लांट्स जो कोयले को इंपोर्ट करके अपना काम पूरा करते थे उनमें से सिर्फ 2 या 3 प्लांट के पास ही थोड़ा सा कोयला है, सबने बंद कर दिया क्योंकि इतनी हाई कॉस्ट है। और ये उसी कारण से है कि आपकी वित्तीय स्थिति इतनी खराब है कि आप हाई कॉस्ट पे इंपोर्ट अगर करेंगे तो आपकी आपको डेली कैश मैनेजमेंट करना ही मुश्किल होगा। तो जो समस्याओं का समाधान चाहिए उसका समाधान मेरी नज़र में तो डिस्कॉम्स को जो है वो हमें प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाना चाहिए। सरकार एक लंबा कदम उठाने जा रही है, एक नया बिल इंट्रोड्यूस करने जा रही है। सुभाष जी मैं आपके बिल्कुल जिसमें पावर सप्लाई प्राइवेटाइज, मैं आपकी इसी बात को प्राइवेटाइजेशन की आप बात कह रहे हैं, आप एक सोल्यूशन के तौर पर प्राइवेटाइजेशन की बात करें सुभाष जी। BM वर्मा जी मैं आपसे इसी बात पर आगे बढ़ना चाहती हूँ, राज्यों की जब बात होती है
जैसा हम कह रहे हैं कि राज्य जो है वो केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि कोयले की संकट की वजह से बिजली का संकट पैदा हो सकता है, बेसिकली कोयला संकट पावर संकट में तब्दील हो सकता है। राज्यों की दिक्कतें इस वक्त क्या है, ये इस पर मैं आपसे टिप्पणी लेना चाहूंगी। क्या वाकई मानसून का इतना ज्यादा असर इस बार पड़ा है? देखिए, आज के युग में कोई भी चीज़ छुपी नहीं रह सकती। हर चीज़ पे कंप्यूटर, आप सेंट्रल एक्सिटी के अथॉरिटी की साइट पे जाइए, पोसोको के साइट पे जाइए, आपको एक एक पावर स्टेशन का कौन सा पावर स्टेशन कोल स्टेशन से बंद है, कौन सा नहीं है, पता लगता है। ठीक है, इस वक्त जैसे आदित्य स्वरूप और गर्ग साहब ने कहा है, मुझे शॉर्ट टर्म कोई चिंता नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी तक बात पहुंच गई तो पहले तो ये है, पहुंची क्यों? तो ये एक इंडिकेशन है कि भाई अभी हमारा सिस्टम अभी सुधार की तरफ ज़रूरत है। ये शॉर्ट टर्म पैच रहेगा, ये एक महीने दो महीने तक चलेगा। दूसरी चीज़, जैसे आदित्य स्वरूप साहब ने कहा था कि शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस अभी भी जो है वो अगले दो चार या तीन दिन में, मैक्सिमम हफ्ते में ये हो जाएगा। प्रॉब्लम्स आती हैं पंजाब जैसी स्टेट में, जिसमें नॉर्मली कोयला जो कि खदान से लेके पंजाब के पावर स्टेशन तक आता है वो 15 दिन लग जाते हैं। अब हम ये सेटिस्फेक्शन लेंगे कि कोल डिस्पैच हो गया है, पर जलेगा तब जब वहाँ पहुँचेगा। तो बीच में आई एम श्योर, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के रिव्यू हुआ है, रेलवेज के ऊपर भी तगड़ी मॉनिटरिंग होगी, और उन स्टेट्स को जैसे राजस्थान है, पंजाब है, जो कि दूर है, वो हो जाएगा। मैं शॉर्ट को इतना कह के अब ये प्रॉब्लम हम मॉनिटर करें, आप प्रेस में काफ़ी कुछ आ चुका है और सब लोग मुस्तैद हैं, पर हमें लॉन्ग टर्म, जैसे आदित्य स्वरूप साहब ने कहा था, इसकी कोयले के ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट आई, कितना नहीं आया, ये बहुत सारी चीज़ें डाटा देख के बड़ा दुख होता है। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 388 मेगावाट है, गीगावाट है, 388, और कल का भी जो पीक लोड गया है वो 172 गीगावाट है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास इतनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है कि अगर हम कुछ साल तक पावर हाउस नहीं चलाएं तो मैनेज किया जा सकता है। पर इश्यूज़ क्या हैं? इश्यूज़ एक नहीं है, इश्यूज़ इतने मल्टीपल्स हैं। 91 में इस पावर सेक्टर को प्राइवेटाइज किया गया, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन साइट से प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए, क्योंकि पैसा वहीं से आता है, वहाँ से वो ट्रांसमिशन को जाएगा, वहीं से जनरेशन कंपनी को जाएगा, वहीं से कोल बेस्ड कंपनी को जाएगा। जो हमारा रेवेन्यू का स्ट्रीम है वो प्रैक्टिकली, जैसे गर्ग साहब ने कहा है, कि बैंकक्रप्ट है। पर बैंकक्रप्ट आज से नहीं पता था। देखिए, जब मोन्टेक सिंह आलवा गए थे, उन्होंने 51,000 करोड़ किया, अभी लास्ट ईयर के बजट के टाइम पे अराउंड 80,000-90,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को दिया। तो हर बार एक सिचुएशन को हम कैसे फंड करें, फिर वही प्रॉब्लम आती है हर दो साल बाद, तीन साल बाद। एक तो हम ये डिसिप्लिन करें, समस्याओं से आगे बढ़कर, जैसा आपने बताया, बिल्कुल आपने बताया कि इसमें आप भी इस पर ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं कि हमें शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म सोचना है। प्रोफेसर अय्यर,
हार्दिक, जितने भी हमारे आज खास मेहमानों ने चर्चा की है वो कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में तो चलिए हम समस्या का समाधान कर लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म हमें सोचने की जरूरत है। अब ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन किस तरफ हम देख रहे हैं? समस्या जो हम कह रहे हैं कि डिस्कॉम की समस्या है या प्राइवेटाइज करने की जरूरत है, कोयले की संकट नहीं है लेकिन फिर भी दिक्कतें पेश आ रही हैं, राज्य और केंद्र को साथ मिलकर काम करना चाहिए। अच्छा, विदेशी कोयले पर भी हमारी निर्भरता है, वहां पर दाम बढ़ जाते हैं, यहां पर मानसून आ जाता है तो कोयले की संकट की बात उठती है। मैं सीधे आपसे समाधान समझना चाहती हूँ, ये जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं वो पॉइंटेडली हम उसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले तो एक जो मिथ है कि भाई डिस्कॉम को और उसको कनेक्ट किया जा रहा है, इसको पहले ये मिथ को यहाँ से निकालिए, क्योंकि भारत में जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो अनबंडल होने के बाद, जिसको हम प्राइवेटाइजेशन करें या प्रोफेशनलाइजेशन करें, जिसमें कंपनी जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की अलग अलग हो गई हैं, उसके बाद जो कोयला खरीदने वाली कंपनी है वो जनरेशन एसेट्स हैं। तो सबसे पहले ये जो मिथ मीडिया में फैला हुआ है, और थोड़ा मैं भी दुखी हूँ कि कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर भी इस तरह की बात कर रहे हैं, कोयला खरीदने वाली कंपनी उत्पादन करने वाली कंपनी है बिजली को, जो कि एनटीपीसी और प्राइवेट सेक्टर की जनरेशन कंपनी है। चार बड़ी कंपनियों का नाम लूँ तो जेएसडब्ल्यू है, अडानी है, टाटा है, इस तरह की कंपनियां इसको प्रोड्यूस कर रही हैं बिजली को। तो बेसिकली क्या है कि आपकी प्रॉब्लम जनरेटर साइड पे आएगी जहां कोयले का स्टॉक नहीं रहेगा। और दूसरी नंबर टू कंपनी इन दी कंट्री आफ्टर एनटीपीसी पब्लिक सेक्टर में, वो महाजेनको है, महाराष्ट्र की जनरेशन कंपनी, वहां पर कोयले की स्टॉक की कमी आ रही है। तो ये डिस्कॉम को इससे लिंक करना है सबसे बड़ा फैलेसी है और ये बिल्कुल गलत आर्ग्यूमेंट है। ये चाहे कोई भी दे रहा है, चाहे कोई मतलब पॉलिटिकल एंगल से दे रहा हो या कैसे दे रहा हो, सबसे पहले इससे बाहर निकले। अगर हमें समाधान चाहिए हम उसकी मुसीबत को समझें। नाउ सेकंड पॉइंट, जो लॉन्ग टर्म पॉइंट जो पहले अनिल स्वरूप जी ने कहा था वो बिल्कुल सही है। उत्पादन क्षमता कोल इंडिया की इतने करने के बाद बढ़ी नहीं है और 3 साल उसका रह गया, पर उसकी क्या सोल्यूशन है? देखिए टुडे, आज अभी कुछ समय में जब शुरू हुआ था ये साल, तब $126 प्रति टन इम्पोर्टेड कोल मिल रहा था आपको। इस वक्त उसकी भाव है, चाइना जो खरीद रहा है वो करीब $220 प्रति टन खरीद रहा है, और कोल इंडिया की प्राइस देखिए, कमाल की प्राइस है $190 प्रति टन। मेरे को आप बताइए, हमारे देसी कोल का डॉलर में क्यों प्राइसिंग कर रहे हैं आप रुपए की प्राइसिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? ये जो सबसे पहले सवाल पूछिए, क्या हम फॉरेन एक्सचेंज में ले रहे हैं क्या कोल इंडिया की कोल को? ये बात सबसे पहले समाधान वहां पर रहता है। ये जो प्रोडक्टिविटी कम हो रही है इसका कारण मैं आपको बता देता हूं। नॉर्दर्न कोल फील्ड्स और कोरबा का जो इलाका है, मैं इसमें ट्रैवल कर चुका हूं, मैं कोल की माइनिंग देखी, बड़ी इनएफिशिएंट माइनिंग है। आपने भी फोटो दिखाए थे, डंप ट्रक्स जा रहे हैं और आपके एक्सकेवेटर निकाल रही है। इसमें टेक्नोलॉजी लाइए, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, मतलब एक इक्विपमेंट है जिसका नाम है ड्रैग लाइन, जो मैंने खुद कृष्णाशिला माइन में विंध्याचल के एरिया में देखी जाके। उस समय एक मिश्रा साहब होते थे डायरेक्टर नॉर्दर्न कोल फील्ड, उन्होंने मेरे को कहा यार साहब देखिए, मैंने कहा ये मशीन क्यों नहीं खरीदी रहे जानी साहब, जब इसमें वर्कर को भी फायदा है और इसमें प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है। तो उन्होंने कहा यार साहब 150 से 200 करोड़ की एक ड्रैग लाइन आती है, पर इसको खरीदने के लिए दो ही कंट्रीज उस समय थी, मतलब चेकोस्लोवाकिया थी और रशिया था। तो बेसिकली इस पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है हमारी टेक्नोलॉजी में, माइनिंग के अंदर, और हमारे कोल के अंदर 40% ऐश कंटेंट है, उसको कोल वॉशिंग किए बिना पावर में इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। उसकी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू बहुत लो है, 3600 से 3800 किलो कैलोरी एवरेज है। जो बेस्ट कोल है वो स्टील में जाती है, उसको 4800 से 5000 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम है उसकी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ये सारे फैक्ट्स हैं। अब मैं आता हूं एक बहुत बड़े फैक्ट पे। एक बात कही गई और मैं ये कई दिनों से कह रहा हूं कि हमारी कैपेसिटी इंडेक्स जो है 385 गीगावाट है, पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं 175 गीगावाट के ऊपर नहीं। बीच में हमारा टारगेट एक दिन बीच में पीक हो गया था, 200 गीगावाट तक पहुंच गए थे। पर आपको मैं बताना चाहता हूं कि 385 में से 300 गीगावाट ही चल सकते हैं, क्योंकि पीएलएफ ऑफ प्लांट्स उतने लेवल पे नहीं जाएगी। एग्जांपल, मैं सोलर का नुमाइंदा हूं फिर भी कह रहा हूं, सोलर 20% के पीएलएफ 19 के पी ऊपर नहीं जाएगा। पर सबसे बढ़िया प्लांट जो हाइड्रो है, ध्यान रखिएगा, हाइड्रो और गैस पावर प्लांट ही केवल जो पीक लोड है, मतलब जब शहर के अंदर पीक लोड आता है उसको शेव करना, उसको सेटिस्फाई करना, केवल हाइड्रो प्लांट जो प्लग एंड प्ले में आता है और गैस के पावर प्लांट। ध्यान रखिएगा, इस वक्त 20 गीगावाट के गैस के प्लांट भारत में बंद पड़े हैं। वो पहले सरकार में भी बंद थे, अभी भी बंद है। 7 साल से हम गैस प्रोक्योर नहीं कर रहे हैं। दबोल महाराष्ट्र में सबसे बढ़िया गैस पावर प्लांट है, पर उसकी टैरिफ हाई करके प्रोक्योर नहीं कर रहे हैं। सोल्यूशन ये है, ये 20 के 20 गीगावाट गैस की प्रोक्योरमेंट की तरफ जाइए, केवल कोयले की तरफ मत देखिए, तो पावर फट से मिल जाएगा कल सुबह। सॉल्यूशन केवल कोल की तरफ नहीं है, 20 गीगावाट आपके गैस के एसेट क्यों बंद है, ये सवाल उठता है। और इस पर किसी ने बात नहीं करी, किसी मीडियम बात नहीं हुई, ये पहली बार आपके यहां मैं आके बोल रहा हूं ये बात। केवल कोयले का प्रॉब्लम नहीं है, 20 गीगावाट हमारे गैस बेस्ड पावर प्लांट्स आइडल पड़े हैं, स्टार्विंग ऑफ गैस। इस वक्त ये
काम आपको करना है कि आपको चारों तरफ से इसको सॉल्यूशन निकालना है, ये गैस के पावर प्लांट बंद ना रहे, किया जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल हाँ। तो और अगर आपको मदद चाहिए यहाँ पर, बिल्कुल, तो रेन्यूएबल एनर्जी देखिए, हाइड्रो का शेयर इस वक्त 10% है, 11%। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, हमारे हाइड्रो का शेयर 2003-4 में 27.1% था, और वहीं पे जब तक ये मैं कहने आया था, मैं ये कहना चाहता जस्ट 1:30 सेकंड, बेसिकली आप कभी भी थर्मल पावर प्लांट चला नहीं सकते बिना हाइड्रो के। हाइड्रो को हमारे को 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इस ग्रिड कोड में रखनी है, इस 50 हर्ट्ज को मेंटेन करने के लिए आपको हाइड्रो चाहिए 20% के ऊपर। तो हाइड्रो की भी डेवलपमेंट रुकी पड़ी है, पर इस वक्त आरके सिंह साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं हाइड्रो को रिवाइव करने की। तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस में हाइड्रो लाइए, हाइड्रो पावर बैक टू 25% शेयर लाइए। इसके ऊपर हम लोग एक सेमिनार कर रहे हैं, मैं इस सेमिनार को कर रहा हूँ, डिजिटल सेमिनार आई एम डूइंग ऑन द 25th ऑफ दिस मंथ। तो सबसे आपकी सबसे बड़ी कंपनी जो आपको बचा, इस वक्त हम हाइड्रो के उफान पे हैं, अभी बचा सकती है एनएचपीसी, आपको बचा सकती है। तो सरकार प्रैक्टिकली रहे, जैसे उन्होंने कहा, तो वैकल्पिक जो एनर्जी के स्रोत है वहां पर देखने की जरूरत है, थोड़ा इनोवेशन, थोड़ा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, सबसे ज्यादा शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म समाधानों की जरूरत है, जिसमें काफी ज्यादा चर्चा हमारे आज के खास मेहमानों ने की। मतलब शॉर्ट टर्म में हाय तौबा मचाने से कुछ नहीं होगा जो इस वक्त कोल के संकट को लेकर मचाया जा रहा है, क्योंकि सरकार ने बोला है कि अगले 5 से 7 दिनों में ये कोयले का संकट जो है उसको दूर करने की उन्होंने पूरी तरह तैयारी कर दी और उत्पादन पूरी तरह दुरुस्त हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सुभाष चंद्र गर्ग जी, बी एम वर्मा साहब और प्रोफेसर जी अय्यर हमारे साथ आज के इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज के लिए आपकी खबर आपका फायदा में बस इतना ही।